राज्य में इन दिनों उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। शिक्षा विभाग नकल विहीन परीक्षा करवाने की पुरजोर कोशिशों में जुटा हुआ है। विभाग की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि मई महीने में ही बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ताकि जिन भी छात्रों को अग्रिम परीक्षाओं की तैयारी करनी है उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवाड़ी का कहना है कि विभाग के ये प्रयास है कि बच्चे तनाव मुक्त दबाव मुक्त परीक्षा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए भी बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा के लिए टिप्स दिए गए और इस वक्त भी विभाग की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि बच्चे बिना परीक्षा के भय के परीक्षा दे सके। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान हमने जितने हमारे बोर्ड परीक्षार्थी थे उनको जोड़ा था, अभिभावकों को जोड़ा था, आमजन भी उसे जोड़े थे। उस समय कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी कि तनाव से मुक्त कैसे रहें, दबाव से मुक्त कैसे रहें। हम लोगों ने भी पहले से ही मॉडल प्रश्नपत्र तैयार करके बच्चों को दे रखा है कि बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, उससे संबंध में उनको अभ्यास भी कराया है। जो एक्स्ट्रा क्लासेस थी वो भी हमने कराई थी। तो जो मानसिक रूप से कहें और बौद्धिक स्तर पर भी जो परीक्षा की तैयारी थी, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि बच्चे तैयार होकर के ही परीक्षा में भाग लें। इसलिए हमने देखिए पहले ही परीक्षाएं शुरू करा ली हैं। तो हमारा प्रयास है कि अप्रैल तक हम लोग इसका रिजल्ट निकाल दें और मई तक हम लोग रिजल्ट निकाल दें, ताकि बच्चों का जो प्रवेश उच्चतर कक्षाओं में होना वो समय से हो जाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों के परीक्षा नतीजे पर गौर किया जाए तो उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट लगातार सुधरता चला जा रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से जहां इस बात के प्रयास किए गए कि बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए शिक्षकों की कमी ना रहे, तो वहीं दूसरी ओर उनके पाठ्यक्रम को भी समय पर पूरा करवाना सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही ये भी प्रयास किए गए कि छात्र भयमुक्त तनाव मुक्त परीक्षा दें, ताकि परीक्षार्थियों के साथ ही बोर्ड का रिजल्ट भी और बेहतर हो सके। आवाज़ इंडिया के लिए देहरादून से योगेश शैली की रिपोर्ट।